हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू लेकर आई हूँ जो मैं अपने बेटे के लिए क्लॉथ डायपर ने यूज़ किया, तो मेरे बेटे के लिए कैसा वो यूज़फुल रहा या नहीं रहा, मैं उसके बारे में आज बताऊँगी आपको। एम्बिका क्लॉथ डायपर का मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो डालूँगी इसका, आफ्टर यूज़ मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला, तो वही मैं आज आपको बताऊँगी। ये मैंने इसमें एक आउटर लेयर वाटरप्रूफ और एक इंसर्ट आया थे, दो मैंने पैक मंगाए थे ये। तो मैं बात करूँ कि यूज़ करने के बाद मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला। तो जब मैंने इसको अपने बेटी के लिए यूज़ किया, तो जब मेरी बेटी को मैं इसको जब डिस्पोजल डायपर पहनाती थी इन विंटर्स, और डिस्पोजल डायपर्स के बाद जो गैप मिलता था उसमें उसको मैं पहनाती थी ये वाले डायपर्स, क्लॉथ डायपर्स, तो उस पीरियड में जब क्लॉथ डायपर वो पहन तो उसका 2 आवर्स चलता था। अगर मैं ओनली 1 इंसर्ट यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं 2 इंसर्ट यूज़ करती तो ये 4 आवर्स चल जाता था। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि क्योंकि हम डिस्पोजल डायपर से हमेशा उसको पहना, बच्चे को अगर हम पहना कर रखते हैं तो क्या होता है उससे रैशेज आ जाते हैं, तो उससे गैप देने के लिए, और विंटर्स में हम बच्चे को विदाउट डायपर भी अब नहीं छोड़ सकते हैं, तो बिना डायपर के अगर बच्चे को छोड़ेंगे तो वो गीला कर लेगा जिससे इसको सर्दी होने के चांसेस होते हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है कि हम ऐसा कुछ पहनाएं जिससे उसको रैशेज भी ना हो और हम उसको ठंडी भी नहीं लगे। तो अगर हम जैसे हमने डिस्पोजल डायपर पहना दिया, उसको 3 आवर्स हो चुके हैं और हम उसको चेंज कर रहे हैं, और तो हम क्लॉथ डायपर को आराम से पहना सकते हैं और ये आराम से 2-3 आवर्स डिपेंडिंग कि बच्चा कितनी बार सुसु करता है, तो टू से अगर हम 2 इंसर्ट यूज़ करेंगे तो 4 आवर्स चलेगा, 1 करेंगे तो 2 आवर्स चलेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ ये प्रोडक्ट वर्थी है और प्राइस भी इसका बहुत कम था। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस डायपर को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक भी दे दिया है इसका परचेजिंग लिंक। आप इसको अमेजोन, फर्स्ट क्राई, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए यूज़फुल रहा है बहुत, और अभी भी देखिए इसकी क्वालिटी, 1 ईयर हो गए, इसकी क्वालिटी भी सॉफ्ट, नहीं ही सॉफ्ट है ये, और इंसर्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। अब तो खैर मैं इसको डे टाइम में कोई भी डायपर यूज़ नहीं करती हूँ, मेरी बेटी पूरी पॉटी ट्रेन हो चुकी है, लेकिन जब भी मुझे लगता है कि हम लेकर जाते हैं तो मैं इसको 1-2 घंटे के लिए अगर पहनाना होता है तो मैं क्लॉथ डायपर ही पहनाती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो डिस्पोजल डायपर पहनाने की ज़रूरत थी ये पहना देते हैं तो हो जाता है बस। लेकिन कभी कभी मैंने ये फील किया है कि जब अगर हम 2 इंसर्ट यूज़ करते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा मोटा हो जाता है और अनकंफर्टेबल फील करता है बच्चा हमारा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं 1 ही इंसर्ट यूज़ करती हूँ। इस वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि नाइट टाइम में भी मैं चाहती थी कि अपनी बेटी को मैं डिस्पोजल डायपर से क्लॉथ डायपर पे आ जाऊँ, तो कौन सा डायपर मैं यूज़ करती हूँ, उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।